हरे कृष्णा एंड हेलो एवरीवन, आई एम रिम्पी झा एंड वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ ये ब्लॉग मायापुर का है और मैं वहाँ पे स्टार्ट करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा अभी स्टार्ट कर देती हूँ। मिलते हैं, आप लोग देखो ब्लॉग और अगर पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट कर देना, और नहीं भी पसंद आए फिर भी कर देना। तो गाइज मिलते हैं ब्लॉग में। ना सभी को, तो हम लोग पहुंच चुके हैं गीता भवन जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। और आप लोग भी कभी मायापुर आओ तो यहीं पे रहो, ये बेस्ट प्लेस है रहने के लिए। तो आप आराम से यहाँ पे रह सकते हो, अपने फैमिली के साथ तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे मायापुर धाम। मायापुर का जो मेन इस्कॉन मंदिर है जहाँ पर मेरे राधा माधव है, वहाँ पर उनसे मिलने के लिए। तो चलिए आप देखिए गीता भवन और मैं मिलती हूँ आपसे मायापुर इस्कॉन जाने के बाद। मैं आपको बालकनी से कितना ब्यूटीफुल व्यू है वो दिखाती हूँ। इस्कॉन मायापुर का गिफ्ट सेंटर, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सामान मिलती है। अब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए यहाँ से स्पिरिचुअल बुक्स, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। ऐसे गिफ्ट हम लोगों ने भी लिए हैं। अरे ये कैसा? ऐसे नहीं। अरे उसको बीच से पकड़ के ढके। मेरे को भी झूलना है। ऐसे मत करना, हम खुद से रुक जाएंगे। अरे हम खुद से रुक जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। झूला पर राम कभी ढकेलो। तुमको ढकेल दिया उसके टाइम पे, भाग गई। अब अपने से पैर से जोर लगा। अरे अपना मोटे रहेगा। अरे अभी नहीं। अभी कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर मास। तो अभी हम लोग दीपदान करते हैं। दीपदान मतलब पूरे सारे लाइट्स ऑफ रहते हैं, सिर्फ दिया की रोशनी में राधा माधव नीताई गौर इतने ब्यूटीफुल लगते, इतने ब्यूटीफुल मैं आपको बोल नहीं सकती। लेकिन हम लोग कैमरा में कुछ नहीं रिकॉर्ड करता क्योंकि कैमरा अलाउड ही नहीं था। और अभी आप जा रहे हो मंदिर तो आपको अपना फोन डिपॉजिट करना होगा, बट मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी सारी वीडियोस। कल सुबह जब हम लोग सुबह 4 बजे मंगला आरती पे जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगी आप लोग के साथ शेयर करने की। और प्लीज़ खाना तब कैमरा अलाउड हो जाए। और अभी गाइस हम लोग सुबह से बहुत ज़्यादा थक चुके, कल सुबह 3 बजे उठना है, तो अभी हम लोग जा रहे सोने के लिए क्योंकि हमें मंगला आरती अटेंड करना है, इसलिए हम जा रहे सोने। हाँ, और हमें कल सुबह 3 बजे उठ के 4:30 बजे तक मंगला आरती अटेंड करना है। और आज हमारी संध्या आरती मिस हो गई थी क्योंकि मुझे लगा जो 6:30 बजे से होगा, लेकिन अभी कार्तिक मास की वजह से टाइमिंग चेंज है। और अगर आपको कार्तिक मास में डिटेल में वीडियो चाहिए जो क्या क्या करना चाहिए ये सब, तो आप लोग मुझे बोलो, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी एकदम। तो गैस अब मैं जाती हूँ सोने के लिए, मिलते हैं कल सुबह मंगला आरती में। हरी हरी बोल। गुड नाइट। हरी हरी बोल। हरी।
हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ मंगला आरती के लिए। बज रहे अभी 4:30। अभी ज़्यादा तैयार नहीं हुई क्योंकि अभी जल्दी जल्दी तैयार होना था ना। अभी हम लोग मंगला आरती अटेंड कर लेंगे, फिर हम लोग 6 बजे तक आ जाएंगे। फिर से तैयार होंगी, फिर मैं निकलूँगी घूमने के लिए सारा जगह अच्छे से। कैसा लग रहा है? वैसे प्रीति क्या मैंने पहन ली। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ हम और पापा तैयार हुए, अभी तक कोई एक जन तैयार नहीं हुआ है। चलिए अभी चलते हैं मंगला आरती के लिए। सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अभी स्टार्टिंग में तो कुछ मिस्टेक्स हुए होंगे तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और ये जस्ट part 1 था। अब part 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, वो मैं कल पोस्ट करूँगी क्योंकि अगर दोनों साथ में पोस्ट करते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, वैसे ही बहुत लंबा वीडियो हो चुका था। और गाइज़ आप लोग part 1 देख लिए, part 2 नहीं देखेंगे तो फिर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।